ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरा कौन सरप्राइज बॉन्ड निकला है जो हो नहीं सकता? सर आपको यकीन है कि ये लैब की रिपोर्ट सही है? नहीं नहीं, उन्होंने गलत भिजवा दिया। देखा, मुझे तो पहले यकीन था ये रिपोर्ट खराब है। दिया जी, दिया ही हूं मैं। कोई डाकिया नहीं हूं जिसका जो दिल चाहे मुझे लिख के भिजवा दे। रिपोर्ट 100% बिल्कुल ठीक है। प्लीज हेल्प सर। थैंक यू सर। इसका मतलब तो ये हुआ कि छुरी पे से जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो मिस अनिला के गुज़िश्ता मंगेतर मिस्टर इमरान के थे। Exactly. और वो पहले से जहाज में मौजूद था। विटनेसेस और एयर होस्टेस के मुताबिक दोनों साथ साथ सीटों पे बैठे हुए थे और बाद में मिस अनिला ने अपनी सीट चेंज भी करवाई थी। और उनकी पहले से कुछ चपकलें चल रही थी और इमरान ने मौके का फायदा उठाते हुए उसको कत्ल कर दिया। फिर बड़े प्यार से इमरान छुरी वहीं छोड़ के चला गया ताकि जब पुलिस आएगी वो छुरी देखेगी और उस पे से फिंगरप्रिंट्स देखेगी और उसी के उंगलियों के निशान है और फिर उसके हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, है ना? वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, कितना सेठ कातिल है। अपना काम भी कर गया, हमारा काम भी आसान कर दिया। मेहनत का बिल्कुल मार्जिन नहीं छोड़ा उसने। सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप डीआईजी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शक्ल से मैं बिल्कुल तुम्हारी उम्र का लगता हूँ। भाई अब मैं डीआईजी बन गया हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जी बेशक। अच्छा खैर इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे वापा जी कहाँ हैं? खुदा के वास्ते उनको तो मेरे साथ हर जगह भेजना बंद कर दें। यार वो एक एक्सपर्ट है, तुम उनसे मदद लिया करो। वैसे उनका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं उनसे पूछ लेते? वो तो मैं पूछ लूंगा मैं, लेकिन ये बताओ वो है कहाँ? सर मैं हूँ जी इंस्पेक्टर इकबाल सीनियर। सर और सर मैं ए से काना सर। तुम 5-6 साल कोर्ट में सोते रहे? जी सर, पर आपको कैसे पता चला सर? तुम्हारा कद इतना रह गया ना। कहानी कहिए। सही कह रहे हैं, सही कह रही है। जी सर। सर आप तो जीनियस है सर। तुम्हारे 7 बच्चे? वाह कौन है, ये तो सही सही गैस मार रहे। सर ये आपने कैसे जाना जी? तुम्हारी शक्ल देख। तो क्या मेरी शक्ल पे 7 बच्चे लिखे हैं? तुम्हारी शक्ल पे नहीं, तुम्हारी हालत से पता चल रहा है। सर मेरी हालत से और क्या क्या पता चल रहा है बताए ना सर। तुम्हें तरक्की का शौक है। वाह गाने, देखा मेरी हालत देख के पता लगता है कि मेरी तरक्की होने वाली है। तुम्हारी हालत देख के पता चल रहा है कि तुम्हें शुगर होने वाली। खुदा के लिए चाय में चीनी कम इस्तेमाल किया करो। जी 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 सर। वैसे सर एक बात बताएं, आपको ये सब कुछ पता कैसे चलता है सर? तजुर्बे। अच्छा सर मैंने ये भी सुना है कि मुजरिम पकड़ना आपके बाएं हाथ का खेल था। कुछ ऐसे ही है। और सर ये खेल हमें भी सिखाए ना सर, मुझे भी इसको खेलने का बड़ा शौक है सर, सिखाए ना जी। इस खेल को सीखने के लिए बाल सफेद करने पड़ते हैं। कौन है? चूने के 2 डब्बे लेकर आओ फौरन। और सर और क्या क्या करना पड़ता है जी? अरे काम में बाल सफेद करने पड़ते हैं, चूने से नहीं। कौन है चूना? कैंसल। काम की 2 पेटियां ले आओ। और सर काम में आम में नहीं कि आम की 2 पेटियां मंगवा रहे हो। पेटियों को छोड़ो, 2 छोटी-छोटी डब्बियां ले आओ। ओ यार तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने किया? सर हम लोगों का ख्याल है कि मैं सवारी से हूँ, लेकिन सर मैं मैट्रिक करके आया हूँ जी। वो सर जी वो मैं 6 दफा ट्राई हूँ मैं सर। तो मैट्रिक में 6 मरतबा फेल हुए? नहीं सर, सर ये बहुत दुरुस्त है कि मैंने 6 दफा पर्चे जरूर दिए, लेकिन सर 5 दफा रिहर्सल की और सर 6ठी दफा मैं कामयाब हूँ सर। युगांडा की मलिका, क्या हाल है आपको? ओहो आज सी रही कि कभी कोई बात आपके मुंह से भी अच्छी सुनने को मिले। मुंह अच्छा होगा तो बात अच्छी होगी ना? बेशक। मैं आपके मुंह की बात कर रहा था जी। दाफिस। सुना है जो केस आप सॉल्व कर रहे थे वो आपके सॉल्व करने से पहले खुद ब खुद ही सॉल्व हो गया। आपकी बात बचा है, लेकिन मैं अभी तक इस केस पे काम कर रहा हूँ। ओहो, जो केस सॉल्व हो चुके हैं उस पर काम करना यानी कि वक्त जाया करने वाली बात है। ये वक्त ही बताएगा कि वक्त कौन जाया कर रहा है। वक्त ने तो बता दिया है, फिंगरप्रिंट्स इमरान यानी कि अनिला शेख के गुज़िश्ता मंगेतर के मिले हैं। सो कातिल भी पकड़ा गया। अब आप किस कातिल को ढूंढने निकले हैं? देखेंगे। कौन सी मूवी? चुगले आजम है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भैंस छत के नीचे आने से बेहतर है। भैंस छत छत भैंस, ये किसको कह रहे हैं?
होगी। नहीं लतीफ नहीं, मैं अगर वो हाउस अरेस्ट है तो उसको हाउस अरेस्ट रखो। हाँ मैं आ रहा हूँ अभी, आई एम ऑन माई वे। खोजी जी, खोजी जी। जी आपके पापा बहुत स्वीट है। वो असल में पहले हलवाई थे ना इसलिए। जी जी फरमाए। अच्छा आप बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं। मेरे पापा मेरे जैसे हैं। क्या वो आपसे पहले दुनिया में नहीं आए थे? चीटिंग करना उनकी बचपन की आदत है इसलिए। खैर आपके पास पेन और पेपर होगा? क्यों? वो मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। तो ये फैंस से मैं बहुत तंग हूँ, कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। आई लव माई फैंस बाय द वे। मैं अपने फैंस को बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। पेन? आपको तो नहीं, मुझे तो आपके पापा का ऑटोग्राफ चाहिए था। एक तो फैंस भी ना। कुछ कहा आपने? जी नहीं, वो डीएजी साहब अगर मेरे पूछे तो कह दीजिएगा मैं इमरान के घर जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने। ओके मैं अगर आपके पापा को भेज दूँ। वो डीएजी साहब ने कहा था कि वो आपके साथ इस केस पर काम कर रहे हैं। डीएजी साहब मजाक कर रहे थे वो? नहीं नहीं सर ने कहा था वो इस केस में आपके साथ मौजूद है। नहीं वो मैं नहीं नहीं मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं मैं भी उनको बुला कर मारे गए। खोजी भाग। बचपन में आइसक्रीम वाले के पीछे दौड़ लगाने का आज जाकर मुझे फायदा हुआ। मैं फुल स्पीड पर भागकर अपनी गाड़ी में बैठकर अकेला इमरान से मिलने के लिए रवाना था और मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं थे। अल्लाह अल्लाह करके अब मैं अपनी तफ्तीश अपने हिसाब से और अपने तरीके से शुरू करने लगा था। तो आप हैं? जी मैं ही इमरान। और मैं वसीम। बॉल करो। मेरा मतलब है कि मैं बोल इमरान नहीं, मैं इमरान हाशमी। ओह आई सी। हैरानगी की बात है क्या, पाकिस्तान सेंसर बोर्ड से बच के यहाँ कैसे आ गए? जरा मैं फिल्मों वाला नहीं पीटीवी वाला इमरान हाशमी। लड़का गुस्सा खा गया था इसलिए अब इसको डांट खिलाने का टाइम था। मिस्टर हाशमी ज्यादा बाउंसर कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। जी काफी बकवास चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके खिलाफ जितने भी सबूत थे हमें मिल चुके हैं। और मेरा भी यही कहना है कि मैंने वो कत्ल नहीं किया। हैव अ सीट, हैव अ टेबल। शायद आप भूल रहे हैं कि हमें वो छुरी मिल चुकी है जिससे मिस्टर नीला का कत्ल हुआ था और उस छुरी पे आपकी उंगलियों के निशान है। भाई आप मुझे खुद ही बताएं कि जिस छुरी से मैंने कत्ल किया हो वही छुरी मैं उसी जैव गोबर छोड़कर आ जाऊं, कैसी बात कर रहे हो? हो सकता है आप छुरी भूल गए हो। कुछ खुदा का खौफ करें, ये क्या बात कर रहे हैं। कह तो बेचारा सही रहा था मगर जो मान जाए वो पुलिस वाला ही क्या। इमरान साहब आप पे जुर्म साबित हो गया। मेरा लॉयर अभी मेरे बेल के ऑर्डर्स लाता ही होगा। मगर आप शायद भूल रहे हैं कि कानून के शिकंजों से बचना आसान नहीं। ये पुलिस का शिकंजा है, शोएब अख्तर का बाउंसर के मैं नहीं बच सकता। मगर आप देखे जनाब या भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस छुरी से मैंने कत्ल किया था अगर मैं चाहता तो एयरपोर्ट से बहुत ही आसानी बाहर ला सकता था क्योंकि एयरपोर्ट से निकलते वक्त कोई चेकिंग नहीं होती। लगता है इमरान साहब आपसे सवाल करने ही पड़ेंगे। क्या ये बात सच नहीं कि जब आप जहाज पे गए तो आपकी बराबर वाली सीट आपकी एक्स मंगेतर की थी मिस अनिला की और जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी सीट बदल दी? जी हाँ जी। और क्या ये बात सच नहीं कि आप मिस अनिला के एक्स मंगेतर थे? जी हाँ जी। और क्या ये बात सच नहीं कि मिस अनिला ने आपसे मंगनी इसलिए तोड़ी क्योंकि आपने उनके साथ पैसों का फ्रॉड किया था? जी हाँ जी। और क्या ये बात सच नहीं कि इस ड्रामे में सबसे क्यूट मैं हूँ? जी हाँ जी। अच्छा दादा फ्री होने की जरूरत नहीं अब। अगर कत्ल आपने नहीं किया तो मिस अनिला का जिस बाथरूम में कत्ल हुआ था उसके बराबर वाले बाथरूम में 20 मिनट के लिए आप क्या कर रहे थे? गाने गा रहा था मैं बाथरूम में। आई सी। एक और बाथरूम सिंगर मतलब द किलर बाथरूम सिंगर। पेट खराब हो गया था मेरा इस वजह से बाथरूम में इतने ज्यादा टाइम लग गया मुझे। और आपका पेट कब खराब हुआ? उसी वक्त जब जहाज में खाना खाया था मैंने उसके फौरन बाद। मुझे तो पहले ही यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से कातिल मिल जाएगा और अब इमरान की बातों के बाद ये केस फिर से गुगली की तरह घूमना शुरू हो गया था। चंद मजीद सवाल अपने जहन में लिए मैं अंजुमन के घर की तरफ रवाना हो गया था।
मगर मुझे क्या मालूम था कि एयर होस्टेस अंजुमन के साथ साथ वहां मेरा कोई और भी इंतजार कर रहा होगा। आप घबरा तो इस तरह रहे हो जैसे मैं नहीं शान तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो तुम करने आए हो। तुम तो मुझे थाने में भूल आए थे, मैं खुद ही आ गया। खोजू? मेरा नाम इंस्पेक्टर खोजी है, प्लीज मुझे खोजी कहे, खोजू ना कहे। खोजू क्यों? खैर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? कभी कभी तुम भूल जाते हो कि तुम नहीं मैं तुम्हारा बाप। जी भूल ही जाता हूँ मैं। घंटी मैं बजा चुका हूँ। और क्या क्या कर चुके हैं आप? 1970 से बताना पड़ेगा कि मैं क्या पैदा हुआ। मैं आपकी मदद क्या कर सकती हूँ? इसे शादी कोई नहीं करता, आप कर लीजिए। आपको? ये मेरे वालिद साहब हैं, पापा खोजी। और मैं अंजुमन। अंजुमन? आपको कितनी बार यरदान हुआ? मैं वो वाली अंजुमन नहीं हूँ। आप इनकी बातों का बुरा ना मनाइएगा, इनको सिटकॉम्स में काम करने का बड़ा शौक है। इट्स ओके। तो भाई अब आप ये बता दीजिए कि आपके ये खूबसूरत बालों का राज क्या है? जी पापा क्या हो गया आपको? तफ्तीश कर लूं? करो। थैंक यू, माजरत आपको फिर से तकलीफ दी। दरअसल मैं जिस छुरी से कत्ल किया गया था उस छुरी पे इमरान साहब के फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था कत्ल उसी ने किया होगा। आपकी बात बचाए, आपने ये भी कहा था कि इमरान साहब लैंडिंग से कुछ देर पहले 20 मिनट के लिए बाथरूम में भी गायब हो गए थे। बिल्कुल, वो भी अनीला शेख के सामने वाले बाथरूम। मगर इमरान साहब के बयान के मुताबिक उन्होंने जहाज में जब खाना खाया तो उनका पेट खराब हो गया। झूठ, प्लेन का खाना खाने से किसी और का पेट तो खराब हुआ नहीं था। बिल्कुल, वेरी गुड। अब ये बताइए आपकी मंगनी हो चुकी है? जी। ये जी जी वाला जी है या ना जी वाला जी? पापा क्या हो गया? अच्छा आप ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी? जी, जब मंगनी नहीं तो फिर शादी कहाँ से हो सकती है? राइट, तो फिर आप इससे जाइए। क्या क्या कह रहे हैं पापा? बहुत अच्छा लड़का है, 6 बार मंगनी टूटने की प्रैक्टिस कर चुका है। पापा क्या कर रहे हैं आप? कुछ। एक्सक्यूज मी, आप अपने वालिद साहब को समझाइए। एक्सक्यूज मी, आप इसके वालिद को ये बताएं हाँ या ना। हमने बात कर चुके हैं, चलें। बात पूरी तो कर लें। बात पूरी भी होगी, मुंह भी मीठा हो गया, चलें प्लीज। चलें। तुमने पूरी बात ही नहीं करनी थी मुझे। पापा ये कोई बात नहीं थी करने वाली, वो तकरीबन मान गई थी। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप। एग्जैक्टली, आप मेरे बाप है, कोई रिश्ते वाली माई नहीं जो आपको हर चीज पता हो। तुम जो 6 मर्तबा मंगनियां तुड़वा बैठे हो, तुम किस मुंह से बोल रहे हो? जो भी पापा। पर मेरे ख्याल में तो कातिल इमरान ही है भाई। सर इतना बेवकूफ कातिल कोई नहीं हो सकता। फिर कौन है यार कातिल? सर यही तो समझ नहीं आ रही कि कातिल कौन है। वैसे पापा खोजी का क्या ख्याल है? उनका ख्याल है कि मुझे मंगनी कर लेनी चाहिए। क्या? मेरा मतलब है आप उनका नाम न लें, उन्होंने मेरी तफ्तीश को अजाब में डाल दिया। वो वैसे वो है कहाँ? शादी तो मेरी भी नहीं हुई और कोई चांस भी नहीं है। मेरा मतलब है किसी ने चांस जो नहीं लिया। जी आपका क्या ख्याल है? मैं शादी तो मेरी भी नहीं हुई तो कर ले ना। कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। आप मोटे लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? मोटे? कितने मोटे? ये इनका मर्दाना वर्जन समझ ले। जी तबस्सुम जी, मेरी फाइल आ गई। ये आ गया। ये लड़का कैसा रहे? इनके बारे में ये तो आप इनसे ही पूछें। क्या शादी के लिए कैसी है? पापा हर जगह नहीं पूछते। आखिरी ट्राई। पापा बस कर दे, आप जब से आए मेरी शादी 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 की बात कर रहे हैं। खुदा के वास्ते ना ही मेरी शादी हो रही है ना ही मेरे से काम हो रहा है। मगर खुदा के वास्ते पापा, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही आप इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए हैं। ये देखिए मेरे हाथ जोड़े चले जाए मेरी जिंदगी से। अगर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते कम से कम उनको पढ़ाए ना। मेरा ख्याल है मुझे यहां से चला जाना चाहिए। मेरी फाइल का जी।
ये नहीं है। दरअसल में जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी वो रिपोर्ट मदाखलत की माफी चाहता हूँ। अरे सर आप, मैं वापस जा रहा था, सोचा आकर आपका शुक्रिया अदा करता जाऊँ। क्या मतलब आप वापस जा रहे हैं, इतनी जल्दी जा रहे हैं? जी कुछ लोग तो चाह रहे थे कि मुझे बहुत पहले चला जाना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझा तो मैं भी नहीं। खैर वैसे थैंक यू सर, आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? कत्ल उस एयर होस्टेस अंजुमन ने किया था। क्या आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? थैंक यू सर। तुम खड़े हो। उसने मौके से फायदा उठाया, इमरान के खाने के लिए जो छुरी दी गई थी उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स के निशानात आ गए। फिर ग्लव्स यूज करके अंजुमन ने अनीला शेख का कत्ल कर दिया, मगर छुरी पर फिंगरप्रिंट्स इमरान के ही आए। लेकिन सर वो जो इतनी देर तक बाथरूम में रहा, वो उसके खाने में पेट खराब करने की दवाई मिला दी गई थी और यही दवाई अनीला शेख के खाने में भी मिला दी गई। इस तरह उन दोनों को बाथरूम जाना पड़ा। इमरान के बहुत देर तक बाथरूम में रहने की वजह से आप लोगों का शक यकीन में बदल गया। मगर उसने ऐसे किया क्यों? बाल, मैंने कहा था ना उसके बाल बहुत अच्छे हैं। मतलब? ये ले, अनीला शेख पिछले 3 साल से एक बहुत बड़ी शैम्पू कंपनी की मॉडल थी। इस साल उस शैम्पू कंपेन के लिए जो 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी उनमें से एक लड़की अंजुमन थी। अंजुमन जो पार्ट टाइम मॉडल है। माय गॉड, अनीला की तस्वीरों में जो सबसे हसीन चीज नजर आएगी वो उसके बाल हैं। और इस लड़की अंजुमन के भी बाल बहुत खूबसूरत है। ग्रेट, ग्रेट, यू आर जीनियस सर। वैसे सर हमने ये बातें क्यों नहीं देखी? कई बार चीजों को देखने से ज्यादा जरूरी उनके आर पार देखना होता है। खुदा हाफिज़। सर हेलो लतीफ भाई, अरेस्ट वारंट और नफरी तैयार करवाओ जल्दी। ओके आप जा रहे हैं? हाँ। मैंने जो अंदर गुस्से में कहा वो अंदर जो कुछ कहा तुमने वो तुम्हारे अंदर था, मगर पापा जो कुछ तुमने कहा वो मैं पहले से जानता था, मगर कभी कभी अपनी कही हुई बात दूसरे के मुंह से जब तक ना सुनी जाए उसके होने का यकीन नहीं होता। मगर पापा वो 10 साल में तुमने 6 मंगनियां तोड़ी। उसूल मेरा था, मैं तन्हा अपनी छोटी सी दुनिया में घूमता रहा, मगर अब मैं इसलिए आया था शायद इस आखिरी दौर में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये एहसास आपको मेरी 6 मंगनियां टूटने के बाद हुआ? कभी कभी तो 6 मंगनियां टूटने के बाद भी एहसास नहीं हुआ करता। मतलब? मतलब ये अलीज़े अच्छी लड़की है। पापा मेरे से ये केस कभी भी नहीं सॉल्व होना था, आपने कैसे सॉल्व कर लिया? बाप बाप होता है। मतलब? मतलब ये कि ए बी सी आर वाई जेड 1 2 3 4 5 आजकल या परसों पीटीवी होता है। रोल सॉरी सॉरी सॉरी। विटनेसेस और एयर होस्टेस के बयान के मुताबिक दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए थे। हाँ सॉरी, हाँ रोले, एक सीट साथ साथ, हाँ रोले। सॉरी, इनकी बातों का बुरा ना मनाइएगा, इनको सिटकॉम खराब करने का बड़ा शौक है। प्लीज सीट रखे। ये अब क्या खड़ी हो गई है? ओह पापा बस कर दे, हर जगह नहीं ट्राई कर दिया। मेरी फाइल जी वो, अरे देख क्या कर रहे हो? क्या हो गया? चाय में चीनी कम इस्तेमाल किया,
जी 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 सर। वैसे सर बेरी गल नहीं तुम्हारी थी। जी बोले। और क्या ये बात सच नहीं कि इस ड्रामे में सबसे ज्यादा क्यूट? सबसे ज्यादा फोन है हम बैठ के। बोले क्या हो गया है?